स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर, जैसा कि मैंने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनका जो रेन है, रूल है, वो सिर्फ 4 साल का है ना। एक एक्सीडेंट होता है, ही वॉज प्लेइंग द गेम ऑफ पोलो, इट इज नोन एज चौगन। चौगन एक गेम है, आज के करंट का जो आप पोलो गेम है उसी तरीके से था। चौगन खेलते वक्त इसका डेथ हो जाता है, तो इसका टाइम पीरियड जो है सिर्फ 4 साल का है ना। नाउ ही इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। शुरुआत में ही इस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट लाहौर। इसने अपना कैपिटल शुरू में लाहौर रखा है ना, बाद में दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली सल्तनत के कैपिटल बाद में दिल्ली शिफ्ट होता है, शुरू में ये कहाँ रहता है? लाहौर रहता है। लाहौर रखने का रीजन, ऑल्दो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रहेगी ये चीज आपको। मैंने आपको बताया था कि गौरी के 3 स्लेव्स थे, और पहले दो वालों को मैंने बताया था कि एक का कंट्रोल अफगानिस्तान वाले रीजन में था और दूसरे वाले का कंट्रोल पाकिस्तान वाले रीजन में था। अब जाहिर सी बात है ये तीनों कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर करने के फिराक में रहेंगे, तो दिल्ली से उस एरिया पे नजर रखना डिफिकल्ट था, है ना। जो यालदोज का रीजन है या जो कुबाचा का रीजन है उस पर कंट्रोल रखना डिफिकल्ट था। तो ऐबक ने इसीलिए अपना पहला कैपिटल जो स्टैब्लिश किया वो कहां किया? लाहौर किया, है ना। इट इज नियरर टू दी एरिया ऑफ हिज कंपिटिटर्स, जो इसके राइवल्स थे उनके करीब रह के उनकी एक्टिविटीज को नोटिस करने के लिए इसने अपना कैपिटल कहां स्टैब्लिश किया? लाहौर। फर्स्ट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, पहली चीज आप अपने जहन में रखिएगा। दूसरी चीज कि इसके दो टाइटल्स हैं, एपिटेप्स हैं, पर्सनल टाइटल्स। एक है कुरान ख्वा एंड दूसरा है लाख बख्श। लाख बख्श, बाय द वे, एक चीज और बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑल्दो ये सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, बस इसने कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, है ना। ही वॉज अ स्लेव, मिलिट्री कमांडर था गौरी का, तो इसने जब भी टाइटल लिया उसने सिपे सलार का टाइटल लिया था, सिपे सलार या समटाइम्स मलिक, है ना। दीज वेर ऑल मिलिट्री रैंक्स, मलिक एक रैंक है, मिलिट्री रैंक्स, तो उसने रैंक्स का ही टाइटल लिया था, कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, ठीक है ना। ये जहन में आप रख सकते हो। पूरी दुनिया में, मैं अगर पूरी दुनिया की बात करूं, पूरी दुनिया में जो डिफरेंट सल्तनत बने हैं, पूरी दुनिया में सबसे पहली बार सुल्तान का टाइटल लेने वाला बंदा, जो मैंने पहला तुर्क आपको बताया था, महमूद ऑफ गजनी, यहां लिख देता हूं, महमूद ऑफ गजनी। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान। ये साइड नोट के लिए, एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, जस्ट ये टाइटल्स आया तो मैंने बता दिया आपको ना। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज हैविंग टू एपिटेफ्स और टाइटल्स, कुरान ख्वा एंड लाख बख्श, बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज। इसकी कुछ क्वालिटीज थी, एक तो ये बहुत जेनरस था, दान दक्षिणा करने वाला, बहुत जेनरस। लाख बख्श, बख्शना समझते हो, देना, लाख लाख करोड़ हजार वो वाला लाख, तो जेनरसली डोनेशन करता था, इसीलिए ही गॉट द टाइटल ऑफ लाख बख्श। कुरान ख्वा, ही वाज अ वेरी गुड रिसाइटर ऑफ कुरान, कुरान की रिसाइटेशन इसकी बहुत अच्छी थी, दैट्स व्हाई ही गॉट द टाइटल ऑफ कुरान ख्वा। तो ये दो टाइटल्स अपने एग्जाम के लिए आप याद रखिएगा, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, ये पोर्शन रेलिवेंट है। ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी पोर्शन से आते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल से, तो ये टाइटल्स आप अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। नाउ अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कुतुबुद्दीन ऐबक से है वो है इसका आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, और सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस आर्किटेक्चर में है आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहां पे है? दिल्ली में है, महरौली, दिल्ली में है। हाँ, ऑल्सो नोन एज विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर भी कहते हैं इसे। नाउ कुतुब मीनार का अभी जो करंट स्ट्रक्चर है, प्रेजेंटली इसका जो फॉर्म है, ये 5 फ्लोर का है, इट इज 5 फ्लोर्स, इट इज 5 फ्लोर्स। नाउ दीज 5 फ्लोर्स वेयर बिल्ट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स, और वो टाइम पीरियड्स आपको अपने जहन में रखना है। पहला तो इसका जो फाउंडेशन है, जो फर्स्ट फ्लोर,
फर्स्ट फ्लोर। इसका जो फाउंडेशन है वो किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार बनवाना किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, आपको मैंने बताया कि इसकी डेथ 1210 में हो जा रहा है, ये कंप्लीट नहीं कर पाता है, ये कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसको कंप्लीट करता है सेकेंड टू फोर्थ फ्लोर, सेकेंड टू फोर्थ फ्लोर बनवा रहा है। इसका सक्सेसर है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इसको अल्तमश भी किताबों में आता है, दोनों नाम सही हैं, इल्तुतमिश इंग्लिश में लिखते हैं, अल्तमश अदरवाइज लिखते हैं। तो जो सेकेंड टू फोर्थ फ्लोर है वो किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने बनवाया है, अल्तमश ने बनवाया है। आपकी बिल्डिंग यहां कंप्लीट हो गई, जो ओरिजिनल कुतुब मीनार की बिल्डिंग है वो यहां पे कंप्लीट हो गई। तो दो क्वेश्चंस बनते हैं, कुतुब मीनार बनवाना किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, ये एस्पेक्ट एकदम क्लियर। अब आगे इसके कई बार रिपेयर्स हुए हैं, आगे इसके कई बार रिपेयर्स हुए हैं, है ना। और एक मेजर रिपेयर जो किया था, अपने एग्जाम के लिए याद रख लेना, वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अब हुआ क्या था, चूंकि ये टावर है, काफी लंबा टावर है, अगर आप विजिट किए होंगे तो इसके ऊपर बिजली गिर गई, और इसका बिजली गिरने की वजह से जो फोर्थ फ्लोर था, जो टॉप फ्लोर था, उसी पे तो बिजली गिरेगी, वो डैमेज हो गया, जो फोर्थ फ्लोर था वो डैमेज हो गया। एंड फिरोज शाह तुगलक रियलाइज की इस फोर्थ फ्लोर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ज्यादा बेहतर है, है ना। तो इसने इस फोर्थ पार्ट को, जो फोर्थ फ्लोर था, फोर्थ फ्लोर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो हमारा जो करंट कुतुब मीनार है वो फाइव फ्लोर का होगा। ठीक है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी, यहां पे आगे जा रहे रिनोवेशन के काम चल रहे हैं, है ना। तो एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट इसमें काम चलेगा शेरशाह सूरी के जमाने तक, वो एक गेट ऐड करता है कुतुब कॉम्प्लेक्स में, तो वहां तक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, है ना। आप यहां पे बात करो इल्तुतमिश पे, ये बनके कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। फिरोज शाह तुगलक के जमाने में इसमें मेजर रिपेयर हो रहा है, जिसमें इसके फोर्थ फ्लोर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, कुतुब मीनार का जो मटीरियल है वो सैंडस्टोन है, इट इज रेड एंड ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया गया है को बनाने के लिए। कुतुब मीनार का जो नाम है वो किसके नाम पे है? कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे है या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है? तो तुषार, ये एक डिबेट है स्कॉलर्स के बीच में, ये एक डिबेट है। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि कुतुब को फाइनलाइज किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, है ना। और इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, लेकिन बाद में उसका दामाद बन गया था, सन इन लॉ, अपनी बेटी की शादी कर दी थी। तो पॉसिबली कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि कुतुब मीनार का नाम उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे रखा है ना, टू ऑनर हिम, उसको इज्जत देने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए। कुछ स्कॉलर्स का मानना यह है कि कुतुब मीनार का नाम जो रखा गया है वो दिल्ली के एक फेमस सूफी सेंट हैं, जो इस टाइम पीरियड में दिल्ली में स्टे कर रहे हैं, और वो इल्तुतमिश के भी पीर हैं। मींस इल्तुतमिश वाज अ डिसाइपल ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सूफी सिलसिला के, चिश्ती सिलसिला के सूफी हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इल्तुतमिश के पीर भी हैं, मींस इल्तुतमिश उनका डिसाइपल है, उनका शिष्य है। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि कुतुब मीनार का नाम जो है वो दिल्ली के सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है। क्लियर कंसेंसस कहीं नहीं है, ये डिबेट का इशू है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अगर एग्जाम में आएगा तो अगर ऑप्शन में ये है तो ये मार्क, अगर दोनों है कि आप इससे जा, आई बिलीव के नाम पे जा सकते हो आप, है ना। वैसे दो आएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में रहेगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कुछ स्कॉलर्स इसको भी तो मानते हैं, है ना, तो आप वो एविडेंस भी पुट कर सकते हैं।
शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इसका नाम अल्तमश भी आता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ही बिकेम रूलर इन द ईयर 1211 एंड कंटिन्यू टिल 1236। सो हु इज शमशुद्दीन इल्तुतमिश? He was the slave of Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak का slave था, later he became his son-in-law, right? And basically he was the governor in North India. North India में बदायूं province था, बदायूं का ये governor था at the time of death of Aibak. तो Aibak की death के बाद मैंने बताया था he was in Lahore और Aibak का जो center of power था वो Lahore में ही था, right? So there was a controversy, कुछ controversy थी जो लाहौर के nobles थे और जो दिल्ली के nobles थे उनके बीच में थोड़ी controversy हुई। लाहौर के nobles जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह उसको ruler बनाना चाहते थे, but finally दिल्ली nobles succeeded in getting Iltutmish selected as the successor of कुतुबुद्दीन ऐबक। So you can say that who was he? He was a slave. Later, son-in-law of Aibak. Right? Now, Shamsuddin Iltutmish is considered as the real founder of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate ka isko real founder mana jata hai. Because of various reasons. पहला reason तो ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास sufficient time नहीं था as the ruler of Delhi Sultanate कि वो कोई permanent institutions establish कर पाए, right? Those institutions were established by Iltutmish. और जो territory control था Delhi Sultanate का, territory जितना control था, control में था, उसको कंसोलिडेट करने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। उसको रिटेन करने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। तो इस रिगार्ड में ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है। अब वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंस्टीट्यूशन वॉज ही स्टार्टेड द इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम, इक्तादारी सिस्टम आप एक तरीके से यूं समझो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की एक मशीनरी है, मींस लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की, लैंड रिवेन्यू को कंट्रोल करने की एक मशीनरी है। व्हाट हैपेंड इन इक्तादारी सिस्टम, सपोज दिस इज द एरिया ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द एरिया वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, द एरिया वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स और उसका एक पार्ट इक्ता कहलाता था, उसका एक पार्ट इक्ता कहलाता था और उस इक्ता का कंट्रोल एक ऑफिसर को दे दिया जाता था जिसे मुक्ति कहते थे, जिसे मुक्ति कहते थे या इक्तादार, सिंपल टर्म्स में इक्तादार। तो व्हाट इज इक्ता? इक्ता इज जस्ट ए पीस ऑफ लैंड, इट इज अ पीस ऑफ लैंड व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय एन ऑफिसर। वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वहां का रिवेन्यू कलेक्शन, इस सारी जिम्मेदारी किसकी होती थी? मुक्ति की होती थी, या इसको इक्तादार भी आप कह सकते हो। सो ही स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूशन फॉर, मींस रेगुलराइज किया, जो दिल्ली सल्तनत में पॉलिटिकल सिस्टम था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, उसको इसने रेगुलराइज किया थ्रू इक्तादारी सिस्टम, पहली चीज। दूसरी चीज, ही फाउंडेड द तुर्के चहलगनी। तुर्के चहलगनी इसको चालीसा भी कहते हैं, सिंपल चालीसा में, और इंग्लिश में इसको कॉप्स ऑफ 40,
नाम से ही पता चल रहा है कि ये 40 लोगों का एक ग्रुप था, ये 40 लोगों का एक ग्रुप था. नाउ व्हाट वाज दिस, व्हाट वाज तुर्की चलगनी. अगर मैं एकदम लेन मैन लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो कल के लेक्चर में जो हमने कैबिनेट की बात की थी, गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है ना, तो आप समझो कि ये दिल्ली सल्तनत के कैबिनेट के फॉर्म में आप इसको इमेजिन कर सकते हो, है ना. तुर्की चहलगनी कंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल नॉबल्स ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक है, तो इन दो इंस्टीट्यूशन से इल्तुतमिश ने सल्तनत पे अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश की. पूरी सल्तनत को उसने डिफरेंट इक्ताज में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, और उसका कंट्रोल एक पर्टिकुलर ऑफिसर को दे दिया. हर एक इक्ता का कंट्रोल, उसका गवर्नेंस, उसका लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रिवेन्यू कलेक्शन, इसकी जिम्मेदारी एक ऑफिसर को दे दिया, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, इक्तादार कहते हैं. ठीक है, और एक ग्रुप बनाया अपने कोर्ट में जिसे कहते हैं तुर्के चहलगनी, जिसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट नॉबल्स जो हैं इसके, उनको पोजीशन दी गई. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं विच इज रिलेटेड टू इल्तुतमिश, आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है. ठीक है, नाउ अब ये इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ इसने यहां पे मनी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन किया, कुछ नई करेंसीज को इंट्रोड्यूस किया. फॉर इंस्टेंस ही स्टार्टेड तनका, विच वॉज अ सिल्वर करेंसी, एंड जीतल विच वॉज अ कॉपर करेंसी. ठीक है, तो इकोनॉमी को भी इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फील्ड में भी कंट्रीब्यूट किया बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू करेंसीज. दैट वॉज तनका एंड जीतल. दीज टू यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपसे डिस्कस किया था रिगार्डिंग यू नो आर्किटेक्चर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे ही मेहरौली एरिया में दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर की शुरुआत हो रही है. इल्तुतमिश फर्दर एडेड टू दैट. फॉर इंस्टेंस एज फार एज हिज आर्किटेक्चर वॉज कंसर्न, पहली बात तो मैंने बताया है कि ये बदायूं का गवर्नर था, राइट. इनिशियली ही वॉज द गवर्नर ऑफ बदायूं. सो वहां पे बदायूं में जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ऑफ बदायूं वॉज बिल्ट बाई सुल्तान इल्तुतमिश, सुल्तान अल्तमश. सेकेंड थिंग, ही बिल्ट द फर्स्ट मुस्लिम मॉजोलियम एट दिल्ली. मॉजोलियम से मुराद क्या है? मकबरा. दिल्ली में पहला मकबरा, फर्स्ट मुस्लिम मॉजोलियम किसने बनवाया? सुल्तान अल्तमश ने. इसका नाम सुल्तान गढ़ी. और मकबरा आप समझते हो ना, किसी की कब्र. तो ये सुल्तान गढ़ी जो है, ही बिल्ट इट फॉर हिज एल्डेस्ट सन नसीरुद्दीन महमूद. इसका बड़ा बेटा है नसीरुद्दीन महमूद, उसकी डेथ हो जाती है, उसके लिए उसने सुल्तान गढ़ी को फाउंड किया था, एस्टेब्लिश किया था, राइट. सो द फर्स्ट मुस्लिम मॉजोलियम वॉज बिल्ट बाय सुल्तान अल्तमश, सुल्तान इल्तुतमिश, राइट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जिक्र किया था कुतुब मीनार का. ठीक है, तो एक लाइन और यहां ऐड कर दो. ही कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, ही कंप्लीटेड द कुतुब मीनार. और इसको काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो यहां पे इतना सफाइस करेगा दैट ही कंप्लीटेड द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार. नाउ हिज नेम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ टू रिजर्वायर्स. पानी की सप्लाई के लिए रिजर्वायर्स से आप समझो तालाब या कुआं भी कह सकते हो, हौज कहते हैं इसे. तो दो रिजर्वायर्स इसके नाम से एसोसिएटेड हैं, हौज ए शमसी एंड
गंधक बावली, गंधक बावली। तो ये दो रिजर्वायर्स जो हैं ये इल्तुतमिश के नाम से एसोसिएटेड है। इनफैक्ट ये गंधक बावली जो है, बावली कुएं को कहते हैं, वेल को कहते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम मैंने पिछले लेक्चर में लिया था ड्यूरिंग द डिबेट ऑफ कुतुब मीनार, उसका नाम किसके नाम पे पड़ा है। सो इनफैक्ट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ही वॉज अ सूफी सेंट ऑफ चिश्ती सिलसिला, वो दिल्ली में इस वक्त आके सेटल हुए इल्तुतमिश के टाइम पे। He moved to Delhi during this period. So it is believed that this Gandak Bawli, this is step well, it was built for Qutbuddin Bakhtiar Kaki. Iltutmish was a follower of Qutbuddin Bakhtiar Kaki. So it is believed that this well, this Bawli was built for him. ठीक है, ये एक side note है. So his name is associated with two reservoirs. And lastly, an institution or rather an instrument, chain of justice, chain of justice, also known as janzeer-e-adal, janzeer-e-adal, janzeer ka matlab chain, adal ka matlab justice. So an institution of chain of justice was started or rather installed or instituted by Shamsuddin इल्तुतमिश। इट इज बिलीव्ड कि वो बहुत ही इंसाफ पसंद था, जस्टिस में बिलीव करता था। सो एक इंस्टीट्यूशन उसने एस्टेब्लिश कराया, किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है एंड ही इज इन नीड ऑफ जस्टिस, ही कुड अप्रोच दिस चेन। और ये इसके कोर्ट में इंस्टॉल्ड था। इस चेन को पुल करने से एक मैसेज अंदर जाता था, एक रिंगिंग होती थी अंदर, एंड दी अपॉइंटेड ऑफिसर विल अटेंड दी पर्सन। तो बस एग्जाम के लिए इतना याद रखो कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, चेन ऑफ जस्टिस, जंजीरे अदल, वो किसके कोर्ट में था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश के कोर्ट में था। एंड द लास्ट थिंग इन दिस रिगार्ड इज पॉसिबली पॉसिबली द फर्स्ट मदरसा, द फर्स्ट मदरसा एट दिल्ली वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग this period, and this madarsa was known as Madarsa-e-Muzi, Madarsa-e-Muzi, right? Sir, chain of justice to Jahangir ne bhi establish kiya tha na? Ji, usne bhi establish kiya tha, Jahangir ne bhi establish kiya tha chain of justice. So possibly the first madrasa was established during the period of Sultan Iltutmish and its name was Madarsa-e-Muzi. ye Madarsa-e-Muzi jo hai ye possibly ye Muizuddin bin Sam ke naam pe hai. Muizuddin bin Sam kaun hai? Muhammad Gauri ka hi naam hai, Muizuddin bin Sam. So possibly uske naam pe ye madrasa institute hua tha, established hua tha, and this was the first madrasa of Delhi. तो सुल्तान इल्तुतमिश से एटलीस्ट इतनी चीजें आपके जहन में रखनी चाहिए। एग्जाम के लिए जो सबसे रेलिवेंट चीज है वो इक्तादारी सिस्टम और तुर्के चहलगनी, है ना? दीज टू आर एसोसिएटेड अल्तमिश। करेंसी तनका एंड जीतल। मटेरियल भी पूछ सकता है, तनका का क्या मटेरियल था? सिल्वर। जीतल का क्या मटेरियल था? कॉपर। ठीक है, एंड सुल्तानगढ़ी मैंने बताया, पहला मुस्लिम मॉजोलियम एट दिल्ली सुल्तानगढ़ी, इट वॉज बिल्ट बाई शमशुद्दीन इल्तुतमिश फॉर हिज सन नसीरुद्दीन महमूद। एंड कुतुब मीनार को हमने डील कर लिया है, फाइनली इसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। देन टू रिजर्वायर्स आर एसोसिएटेड विद इल्तुतमिश, हौजे शमशी एंड गंधक बावली, एंड द फर्स्ट मदरसा वॉज इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दिस इज ऑल अबाउट इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के पीरियड में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स। नाउ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश फर्स्ट टाइम द मंगोल्स रीच्ड द फ्रंटियर ऑफ इंडिया। मंगोल्स आर सेंट्रल एशियन पावर,
नाम सुना होगा आपने, चंगेज खान का नाम सुना होगा। तो इल्तुतमिश के रूल के दौरान पहली बार मंगोल जो है वो इंडियन फ्रंटियर्स पे आ रहे हैं। इनफैक्ट चंगेज खान हिमसेल्फ ही अपीयर्ड फर्स्ट टाइम ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस। वो किसी का पीछा करते हुए आ रहे थे, इनफैक्ट ख्वारिज्म का एक प्रिंस था जलालुद्दीन मांगबरनी, उसका पीछा करते हुए वो यहां तक पहुंचे थे। एंड जलालुद्दीन मांगबरनी ही अप्रोच सुल्तान इल्तुतमिश, दिल्ली के सुल्तान को अप्रोच करता है और शरण मांगता है उससे, बट दैट असाइलम वॉज रिफ्यूज्ड, इल्तुतमिश ने रिफ्यूज कर दिया था उसे। ही न्यू कि अगर वो उसे असाइलम देता है देन ही हैज टू फेस द रैथ ऑफ मंगोल्स, मंगोल्स उस पर हमला कर देंगे। तो दे रीच द फ्रंटियर ऑफ इंडिया, हु? चंगेज खान, चंगेज खान। ये फ्रंटियर तक तो आए थे बट इंडिया पे अटैक इन्होंने नहीं किया, दे रिट्रीटेड। एक बार जब असाइलम रिफ्यूज कर दिया इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को, तो वो वापस चले गए, ठीक है ना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। नाउ पॉसिबली दैट इज ऑल विच यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग सुल्तान इल्तुतमिश। ही डाइड इन द ईयर 1236 में डेथ हो रही है, एंड ही वॉज बरीड इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स। कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही, दिल्ली में कुतुब मीनार के जस्ट पीछे ही इसकी कब्र है। He was buried at Delhi. इल्तुतमिश के कंटेक्स्ट में मैंने बताया कि इसने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था तुर्के चहलगनी। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इनफैक्ट इल्तुतमिश के दौरान ही दैट इंस्टीट्यूशन बिकेम क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड द तुर्के चहलगनी दे स्टार्टेड प्लेइंग द रोल ऑफ किंग मेकर, दे स्टार्टेड प्लेइंग द रोल ऑफ किंग मेकर, है ना। सुल्तान की पोजीशन जो है वो काफी वीक हो गई और ये लोग डिसाइड करने लगे कि हु विल गवर्न और हु विल हैव व्हाट पावर। सो इट इज बिलीव्ड कि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान को अपना सक्सेसर यू नो नॉमिनेट किया, बट इट वॉज नॉट अग्रीड बाई तुर्के चहलगनी। तुर्के चहलगनी के लोगों को जाहिर सी बात है, वेमेन है, मेडिवल इंडिया यू नो मेडिवल पीरियड है, तो किसी लेडी को अपना सुल्तान एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट था इस टाइम पे। सो दे रिफ्यूज्ड, रैदर उन्होंने रजिया सुल्तान का भाई है रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बदले में उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बैठाया। बट शी फॉट, उसने अपने क्लेम के लिए फाइट किया एंड शी बिकेम द रूलर। फाइनली रूलर तो वो बन गई, बट उसका पूरा टाइम पीरियड, टोटल 4 साल का टाइम पीरियड है 1236 से लेके 1240 तक का, ये स्ट्रगल करती रही, है ना। शी कुड नॉट एस्टेब्लिश हरसेल्फ, बट एक चीज तो ये था कि शी वॉज सुल्तान फॉर 4 ईयर्स और पूरी मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली पे ये शी वॉज दी ओनली फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर, ठीक है। ये 4 साल के टाइम पीरियड में ये खुद को कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रही, कॉन्ट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रही, बट एस्टेब्लिश नहीं कर पाई खुद को, राइट। तो तुर्के चहलगनी की जो पोजीशन थी वो क्या थी, किंग मेकर की थी। और इनफैक्ट आफ्टर रजिया सुल्तान ऑल्सो दिस सुल्तान्स पोजीशन वॉज कंट्रोल्ड बाई तुर्के चहलगनी, और जो सुल्तान हुए हैं बाद के वो सारे पपेट रूलर्स थे, वो सारे पपेट रूलर्स थे। फॉर एग्जाम्पल मुइजुद्दीन बहरम शाह, मुइजुद्दीन बहरम शाह, ही वॉज सन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का बेटा था। 2 साल के लिए 1242-42 सिर्फ 2 साल के लिए ये रूलर रहा है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, दे आर ऑल वीक रूलर्स। कंट्रोल, असली कंट्रोल किसके हाथ में है, तुर्के चहलगनी के हाथ में है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242-46, और इसी कंटेक्स्ट में नसरुद्दीन महमूद शाह, ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी सिक्स टू सिक्सटी सिक्स
ये सारे क्या हैं, ये सारे पपेट रूलर्स हैं, है ना। रियल पावर जो है वो तुर्के चहलगनी के हाथ में, ये सिर्फ फेस हैं, ये सिर्फ फेस हैं। इनफैक्ट मैंने अभी बताया था कि इल्तुतमिश के पीरियड में पहली बार जो है मंगोल्स इंडियन टेरिटरी पे आए थे, बट उन्होंने अटैक नहीं किया था। उनका पहला अटैक जो है, फर्स्ट मंगोल अटैक, पॉसिबली इस पीरियड में हो रहा है, मुइजुद्दीन बहरम शाह के पीरियड में हो रहा है ना। सिमिलरली अलाउद्दीन मसूद शाह, ही वॉज द सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज, 2-4 साल के लिए रूलर बनता है, नो पावर, द पावर वॉज विद तुर्के चहलगनी। सिमिलरली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नसरुद्दीन महमूद शाह, देयर वॉज ए मेंबर ऑफ तुर्के चहलगनी, हिज नेम वॉज गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन, द रियल पावर वॉज इन द हैंड ऑफ गियासुद्दीन बलबन। इसका टाइम पीरियड आप देखिए 20 साल का है, बट बैकग्राउंड में काम कौन कर रहा है, गियासुद्दीन बलबन काम कर रहा है, और आगे चल के गियासुद्दीन बलबन विल डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ये तुर्के चहलगनी का मेंबर था, ही वॉज अ मेंबर ऑफ तुर्के चहलगनी, और नसीरुद्दीन महमूद शाह के पीरियड में। यस सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, नसीरुद्दीन महमूद के बाद जो गियासुद्दीन बलबन है, प्लीज। यस यस, नसीरुद्दीन महमूद शाह, मैंने बताया कि ये सारे क्या हैं, ये पपेट रूलर्स हैं, पपेट रूलर्स इन द सेंस कि रियल अथॉरिटी इनके हाथ में नहीं है। रियल अथॉरिटी किसके हाथ में है, तुर्के चहलगनी के हाथ में है। तो आप टाइम पीरियड अगर देखोगे तो नसीरुद्दीन महमूद शाह का टाइम पीरियड जो है वो 1246-66 है, 20 साल का टाइम पीरियड है, बट बैकग्राउंड में काम कौन कर रहा है, बैकग्राउंड में पावर किसके हाथ में है, तुर्के चहलगनी के हाथ में है, और तुर्के चहलगनी का एक मेंबर है गियासुद्दीन बलबन। तो नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड में गियासुद्दीन बलबन ने खुद को काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया, और इसके बाद उसने खुद को, आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, उसने खुद को ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली, एंड इनफैक्ट ही वॉज द मोस्ट पावरफुल, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के सबसे पावरफुल सुल्तान में से गियासुद्दीन बलबन का नाम आता है। ठीक है, तो गियासुद्दीन बलबन को तो हम काफी डिटेल में देखेंगे। ओके, क्लियर है, थैंक यू। Now it is famous about Nasiruddin Mahmud Shah that he was a quite pious person, अच्छा बंदा था। He used to write Quran. He used to write Quran and sell it, है ना। तो बहुत ज्यादा political authorities के हाथ में नहीं थी, but he was a nice person as far as historical context is concerned. ठीक है, तो नसीर गियासुद्दीन बलबन को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। नाउ एज यू आर अवेयर कि गियासुद्दीन बलबन ये तुर्के चहलगनी का एक मेंबर है ना, और आपको मैंने अभी बताया कि अभी जो पावर है वो किसके हाथ में है, तुर्के चहलगनी के हाथ में। तो गियासुद्दीन बलबन जब रूलर बनता है, ही रियलाइज कि जब तक तुर्के चहलगनी रहेगी तब तक सुल्तान की पोजिशन स्ट्रांग होना मुश्किल है। मैंने सिचुएशन आपको दिखाई, एक के बाद एक चार रूलर्स आए, रजिया सुल्तान से लेके आपका मुइजुद्दीन बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, दे ऑल वर पपेट रूलर, वीक रूलर्स। तो सबसे पहला काम जो गियासुद्दीन बलबन ने किया गद्दी संभालने के बाद, उसने सुल्तान की पोजिशन को स्ट्रांग करने की कोशिश की, सुल्तान की पोजिशन को स्ट्रांग करने की कोशिश की। और सुल्तान की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने एक थ्योरी दिया, इट इज नोन एज थ्योरी ऑफ किंगशिप। थ्योरी ऑफ किंगशिप मीन्स जो सुल्तान की पोजीशन है, जो राजा की पोजीशन है, उसको इसने डिवाइन पावर से जोड़ दिया। हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज बेस्ड ऑन, इट वॉज बेस्ड ऑन डिवाइन अथॉरिटी, डिवाइन authority. He linked the kingship with God. Now what this kingship says, the kingship says that the ruler is Zill-e-Ilahi. The ruler is Zill-e-Ilahi, means shadow of God. Sir, Niyamati Khudai kya tha phir? And he is Tushar, beech mein interrupt mat kiya karo, pura sun liya karo, Tushar.
सर मैं चुप हूं अब। प्लीज आप इंटरप्ट करते हो ना तो फ्लो गड़बड़ हो जाता है, और कोई बात नहीं है, आप एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए आप 50 क्वेश्चन पूछे, नो इश्यूज इन दैट, राइट। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि सुल्तान बलबन ही इज ट्राइंग टू इंप्रूव द पोजीशन ऑफ द किंग, रूलर, रूलर की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए वो एक थ्योरी देता है, थ्योरी ऑफ किंगशिप, एंड ही कनेक्टेड द पोजीशन ऑफ सुल्तान टू डिवाइन अथॉरिटी। अब ये कह क्या रहा है, दैट द रूलर इज द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, है ना, ये अल्लाह की परछाई है, राइट, जिल्ले इलाही एंड नायबे खुदाई, मींस ही इज डिप्यूटी, नायब का मतलब होता है डिप्यूटी, ही इज बेसिकली डिप्यूटी ऑफ गॉड, ही इज बेसिकली डिप्यूटी ऑफ गॉड। तो नायबे खुदाई, अगर ये किंगशिप मुझे खुदा की तरफ से मिल रही है, इट इज ए, इसको नियाबत भी कहते हैं, नियाबत खुदाई, अगर ये मुझे खुदा की तरफ से मिल रही है तो मेरी पोजीशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आई हैव डिवाइन अथॉरिटी, राइट। तो ये कोशिश क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि सुल्तान की पोजीशन को कोई चैलेंज ना कर पाए, और वो चैलेंजिंग लोग कौन थे जो चैलेंज कर रहे थे, तुर्के चहलगनी के लोग थे, राइट। तो ये चीज इसने एस्टैब्लिश किया, पहली चीज। दूसरी चीज, बलबन वॉज ए स्लेव, राइट, बलबन एक स्लेव था, तो अब जाहिर सी बात है स्लेव को इतनी सारी चीजें कैसे मिल रही हैं, डिवाइन फेवर कैसे मिल रहा है। सो ही एसोसिएटेड हिमसेल्फ, एसोसिएटेड हिमसेल्फ विथ ए पर्शियन फैमिली, पर्शियन, और रेदर यू राइट इट रॉयल पर्शियन फैमिली, रॉयल पर्शियन फैमिली, राइट, द फैमिली ऑफ अफरासियाब। अफरासियाब एक पर्शियन लीजेंड है, अफरासियाब, ही वॉज ए पर्शियन लीजेंड, जैसे आप इंडिया में आप अशोक को समझ लो, अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, उसी तरीके से पर्शिया में भी एक लीजेंड है अफरासियाब का। सो ही एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद द फैमिली ऑफ अफरासियाब, है ना, खुद को ये पर्शियन फैमिली का मेंबर बता रहा है, राइट। एंड टू जस्टिफाई दिस ही स्टार्टेड सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज, सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज। व्हाट इज नवरोज, नवरोज इज पर्शियन न्यू ईयर, नव का मतलब न्यू होता है, एंड रोज का मतलब डे, तो पर्शियन न्यू ईयर, राइट। टू जस्टिफाई हिज एसोसिएशन विद द पर्शियन फैमिली, वो नवरोज सेलिब्रेट करना उसने कोर्ट में शुरू किया। फर्दर जो इसके राइवल्स हैं, जो उसके अपोनेंट्स हैं, उनको और ब्रेक करने के लिए, उनके सामने अपनी और अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए, ही स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ सजदा एंड पाबोश। व्हाट इज सजदा, सजदा इज प्रोस्ट्रेशन, जमीन पे झुकना, है ना, तो इसके सामने सजदा करना है। एंड व्हाट इज पाबोश, पाबोश इज किसिंग ऑफ द फीट, राइट। तो ये दो ट्रेडिशंस इसने एस्टैब्लिश किए कि जो भी सुल्तान के सामने आएगा वो सजदा करेगा एंड दे विल डू पाइबोश, किसिंग ऑफ द फीट, पैरों को चूमने को पाइबोश कहते हैं। सो दीज ट्रेडिशंस वेर इंट्रोड्यूस्ड। हो क्या रहा है यहां पे, इन सारी चीजों से हो क्या रहा है, ही इज क्रिएटिंग अ मिथ अराउंड द पोजीशन ऑफ सुल्तान की, ये जो पोजीशन है सुल्तान की ये काफी स्ट्रांग है, काफी हैवी है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, ये एस्पेक्ट जहन में रखिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किससे है, तुर्के चहलगनी से है। अगला स्टेप इसने लिया, ही डिस्ट्रॉयड दी तुर्के चहलगनी, ही डिस्ट्रॉयड दी तुर्के चहलगनी, ही डिस्ट्रॉयड दी तुर्के चहलगनी को खत्म कर दिया इसने, है ना। अब दो क्वेश्चन आपको मिल गए, तुर्के चहलगनी बनवाया किसने था, अल्तमश ने, सुल्तान अल्तुतमिश ने, उसको खत्म किसने किया,
बलबन ने क्यों खत्म किया, इसका कंटेक्स्ट मैं अभी आपको बताया। नाउ अपने खिलाफ किसी भी डिसेंट को, किसी भी रिवोल्ट को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट सुल्तान। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अब ये ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी क्या है, आप ये समझो, आयरन से मुराद यहां पे तलवार से है, सोर्ड से है। कोई भी अपोजिशन है इसके खिलाफ उस जमाने में, कोई भी किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, या इनफैक्ट तुर्के चहलगनी के कंटेक्स्ट में ही आप ले सकते हो, ही यूज्ड हिज सोर्ड, है ना, खून बहा दिया, स्ट्रिक्टली उसको हैंडल किया। सो दिस पॉलिसी केम टू बी नोन एज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, तो इवेंचुअली ही सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग रूलरशिप ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसकी खुद की जो पर्सनल अपीयरेंस था, ये काफी स्ट्रिक्ट पर्सन का था, है ना, और उसी की बदौलत इसको कहा जाता है कि ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। नाउ गियासुद्दीन की डेथ हो जा रही है 1287 में। कुछ बुक्स में आपको हो सकता है ये डेट 1286 दिखे, वो गलत है, 1287 है इसका। बहरहाल डेट्स वगैरह के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पढ़ना। एंड ही वॉज बरीड एट दिल्ली, इसको भी यहाँ पे इसकी डेथ हो रही है, और कुतुब कॉम्प्लेक्स के बगल में ही, इनफैक्ट इट इज अ पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स, वहीं पे इसको दफना दिया गया। ही वॉज बरीड एट दिल्ली। ठीक है, द लास्ट रूलर कैकुबाद, 3 साल का रूल है, इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी पढ़ने पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नालायक रूलर था। बस ये याद रखना कि ये लास्ट रूलर है, और ये है कौन, ही इज ग्रैंडसन ऑफ बलबन, गियासुद्दीन बलबन का ये ग्रैंडसन है, होता है। ठीक है,